नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। आप देख रहे हैं डिबेटिंग से जुड़ा हुआ चैनल जो आपको डिबेट के टॉपिक्स के बारे में तमाम अन्य जानकारियों के बारे में बता रहा है। इस बार राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के ऊपर चर्चा और इस बार उस विषय के विपक्ष में चर्चा, क्योंकि पिछली वीडियो आपने देखी होगी, निश्चित तौर पर आपने देखी होगी, उसमें हमने विषय के पक्ष में बात की थी। इस वीडियो में उसी विषय के विपक्ष में बात करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो में विषय के विपक्ष में चर्चा। विषय के विपक्ष में चर्चा करने से पहले आप सभी को फिर से अनुरोध करना चाहूंगा, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने अन्य मित्रों के साथ भी इसे साझा करें। तो जैसा आपको मालूम ही है कि 20 फरवरी 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होने जा रही है एक राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता। विषय के पक्ष में आप पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो में विषय के विपक्ष में विपक्ष का वक्तव्य। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो डिबेट कॉम्पिटिशन होने जा रही है वो 3 भाषाओं में होगी। अर्थात आप अगर वहां प्रतिभागी के रूप में जा रहे हैं तो अपनी बात आप वहां हिंदी में रख सकते हैं, अंग्रेजी में रख सकते हैं और आप उर्दू में भी रख सकते हैं। चूंकि आपको मालूम है 3 भाषाओं में ये डिबेट कॉम्पिटिशन होने जा रही है, तो सबसे पहले हम विषय जान लेते हैं। विषय को सबसे पहले हिंदी में जानते हैं। हिंदी में विषय कहता है, यह सदन उच्चतम न्यायालय द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन करता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिलीजियस मामलों में, धार्मिक मामलों में जो फैसले दिए गए हैं उनका समर्थन करता है। क्योंकि ये 3 भाषाओं में, जैसा मैंने आपको भाषाएं पहले बता दी है, तो अंग्रेजी में हम इस विषय को जान लेते हैं। दिस हाउस सपोर्ट्स द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन रिलीजियस मैटर। ये है अंग्रेजी में विषय। उर्दू में आप विषय पढ़ लें, क्योंकि उर्दू में मेरी जो मजबूती है उतनी नहीं है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स को देख सकते हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो में विपक्ष का। अगर मैं विपक्ष का वक्ता हूं तो मैं शुरुआत कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि हाँ, हम मानते हैं कि भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, भारत एक सेकुलर नेशन है और इसीलिए सरकार के किसी एक अंग को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धार्मिक मामले क्या है? धार्मिक मामले जो कि किसी रीति से जुड़े हुए, किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं और किसी अन्य धार्मिक रीतियों से जुड़े हुए मामले हैं, उनके ऊपर यदि आप फैसले सुनाते हैं एक सरकार होने के नाते, सरकार के अंग होने के नाते, निश्चित तौर पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और वो बहुत सारे लोगों की आस्था पर आघात पहुंचाता है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाधान नहीं मानते हैं और उसको एक हस्तक्षेप मानते हैं और उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ कड़े कड़े पॉइंट्स हम देख लेते हैं, मजबूत पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कि ये किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करने के लिए उठाया गया कदम सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, लेकिन पूरे समुदाय के अधिकारों और पूरे समुदाय की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी का अधिकार, किसी की मान्यता या किसी कानून का पालन यदि करवाना है सरकार को या राज्य को या इवन सुप्रीम कोर्ट को, तो उसे समाज का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। यदि समाज आपके साथ नहीं है तो ना आप कोई कानून लागू करवा सकते हैं, ना ही आप फैसले को लागू करवा सकते हैं। उदाहरण आप सबरीमाला का देख सकते हैं और कई अन्य मामले हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिला इसलिए वो फैसले लागू नहीं हो पाए। दूसरी चीज हमें यह समझनी चाहिए कि भारत कैसा समाज है। भारत जो देश है, भारत का जो समाज है, वो रूढ़िवादी समाज में आता है, कंजर्वेटिव है। तो इन द कंजर्वेटिव सोसाइटी वी हैव टू रिफॉर्म द सोसाइटीज वैल्यू रिचुअल्स थ्रू आर ग्रेजुअली डेवलप्स। क्रमिक विकास के जरिए हमें सुधार लाना चाहिए। अगर हम तत्कालिक सुधार लाएंगे, एक तुरंत सुधार की बात करेंगे, निश्चित तौर पर नहीं आ पाएगा। एंड
कि ग्रेजुअली हम जो है डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे क्रमिक सुधार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जनता का सहयोग चाहिए। और आप धार्मिक मामलों में कह रहे हैं कि ये कुरीति है, तो मान लिया कुरीति है तो उसको दूर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जनता उनके साथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि धर्म एक भावना और आस्था का मसला है। यदि आपको किसी धर्म में किसी रीति में सुधार करना है तो आपको उन्हीं धर्म के अंदर जो लोग हैं, वहां के जो नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि बनकर आते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी और उनमें ये चेतना जगानी पड़ेगी कि फलाना धर्म में फलाना परंपरा कुरीति बन गई है तो वो सुधार करेंगे। उदाहरण लेते हैं, भक्ति काल में कितने पीर फकीर आए जिन्होंने इस्लामिक कट्टरतावाद की मुखालफत की, कितने भक्ति आंदोलन में साधु संत सामने आए जिन्होंने हिंदू परंपराओं में जो कट्टरता आ गई थी उसका विरोध किया। भारतीय पुनर्जागरण में आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, तमाम अन्य ऐसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे तमाम सुधारक आए हैं जिन्होंने ये सारी चीजें की कि भाई जो कुरीतियां बन गई है वो उसको सुधारा किया जाए। जैसे भारत में एक बड़ा जुमला चलता है कि ब्राह्मणवाद का, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति कौन था? महर्षि दयानंद सरस्वती थे, अर्थात उसी समुदाय से निकले हुए वो व्यक्ति थे। किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं वो फैसले लागू हुए थे और किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो समाज में सुधार नहीं हुए थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम समाज में सुधार करना चाहते हैं, किसी धर्म परंपरा की कुरीति में सुधार करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर समुदाय का, लोगों का समर्थन हमें प्राप्त होना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम ऐसे कोरे फैसलों का समर्थन नहीं कर सकते जिससे लोगों की आस्था पर चोट पहुंचती हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी तार्किक बहस होती है वो कोरी होती है, उसमें भावना नहीं होती है। आपने देखा होगा कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, भावनाएं नहीं समझती है, लेकिन ये भारत में भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कोरे तर्क पर आधारित है, उसमें भावनाएं नहीं है, और देश और समाज में भावनाएं सबसे ज्यादा प्रखर है, तो उन्हें सुधारने के लिए हमें क्रमिक विकास की ओर जाना चाहिए, ना कि तत्कालिक कोई फैसला दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि सरकार की जिम्मेदारी है किसी भी हालत में इसे लागू किया जाए, निश्चित तौर पर यह नहीं हो सकता। इसीलिए मैं विपक्ष में खड़ा होकर इस विषय की मुखालफत करता हूं कि किसी भी प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं उनका समर्थन नहीं कर सकते। ये थी विपक्ष की बातें, और विपक्ष में जो तर्क दिए हैं आप उसे सुन सकते हैं, ये दोनों के लिए फायदेमंद है, विपक्ष के लिए भी फायदेमंद है, पक्ष के वक्ता के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वो इन विषयों के ऊपर जो विषय बिंदु रखे हैं मैंने उनका वो काउंटर तैयार कर सकते हैं, और काउंटर तैयार कर सकते हैं उनका तर्क और मजबूत बनेगा। अब विपक्ष वाले इन तर्कों को सुनकर कुछ और सोच सकते हैं, और सोच सकते हैं पक्ष और क्या बोलेगा। आपने ये वीडियो देखी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं कहना चाहूंगा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये विषय बहुत ही ज्वलनशील है और भारत में लोगों को इस विषय के बारे में अवश्य जानना चाहिए, खासतौर पर युवा पीढ़ी को जो कि तार्किक है। तो जो भी लोग 20 फरवरी 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डिबेट कंपटीशन में जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की डिबेट कंपटीशन में, अच्छा प्रदर्शन करें, वीडियो को देखें, अपने नए तर्क तैयार करें, निश्चित तौर पर आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।